नमस्कार ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर ह्यूमन सर्विस टू मैनकाइंड विषय पर ऑनलाइन सेमिनार, पीस ऑफ माइंड चैनल तथा गॉडलीवुड स्टूडियो का संयुक्त प्रयास। कोरोना काल में मूल्यनिष्ठ मीडिया पर राष्ट्रीय परिचर्चा, ब्रह्म कुमारी संस्थान के मीडिया प्रभाग तथा पारुल विश्वविद्यालय बड़ोदरा का आयोजन। और विश्व एकता आध्यात्मिक सत्र पर राष्ट्रीय परिचर्चा में बोले विशेषज्ञ, मनुष्य को बुराइयों से बचने के लिए जीवन में आध्यात्मिकता लाना जरूरी। बुलेटिन की शुरुआत मुख्यालय से करते हैं। दरअसल नेशनल डॉक्टर्स डे पर पीस ऑफ माइंड चैनल तथा गॉडलीवुड स्टूडियो के संयुक्त तत्वाधान में ह्यूमन सर्विस टू मैनकाइंड विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन ऑनलाइन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, मेडिकल प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेहता, टाटा मेमोरियल के निदेशक डॉक्टर राजन बाडवे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जे ए जयलाल, ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा समेत कई चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हुए। जब राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की बात हो तो निश्चित तौर पर देश और दुनिया में तेजी से बढ़ रही नई नई बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा की जाएगी। इसी कड़ी में सम्मेलन में कई मायनों में खरा उतरा और चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान कोरोना काल में चिकित्सकों ने मानवता की सेवा में अपनी जान की बाजी लगाकर लाखों लोगों की जान बचाई, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में सबका मदद करना चाहिए। शिव बाबा जो के सुप्रीम सर्जन है, यदि हम उसकी याद में रहकर उसको अपना साथी बनाकर रखें तो हमारा मन सदा खुश रहेगा, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। डॉक्टर्स डे 2021 आल्सो हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंट सर्विसेज रेंडर्ड बाय डॉक्टर्स टू सेव वैल्यूएबल लाइव्स इन कोविड-19 पेंडेमिक। 3 crore वर अफेक्टेड बाय कोविड-19 इन आवर कंट्री एंड नियरली 4 lakhs लॉस्ट देयर लाइव्स। ग्रेटफुल नेशन इज ऑनरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स ह्यूमन सर्विसेज to mankind selflessly and faithfully in time of dire need. Hold a child and he'll be very happy when you lift him up, throwing him in air and ready to receive. Imagine if there was nobody to receive at the bottom. Where will the trust be? It is exactly the same act that a doctor needs to do to build that trust. So 2 principles. Change is a norm, and what needs to remain unchanged is trust. The Brahma Kumaris, the great organization, is celebrating and observing the Doctors' Day, the very prestigious day for the medical fraternity. The Doctors' Day is celebrated in commemoration of the veteran medical practitioner, Dr. B.C. Roy, who was not only a practitioner of medicine, but also became a great administrator, academician, and he ruled the West Bengal for 14 years for his innovative work for the empowerment of the fraternity and the community and for his altruistic services to the society. DRDO के पूर्व वैज्ञानिक वी सलवामूर्ति, मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल, माउंट आबू की राजयोग शिक्षिका बी के बिन्नी ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मानव का जीवन अमूल्य है। आज ज्यादा से ज्यादा बीमारियां मनोरोग से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसे राजयोग ध्यान से दूर किया जा सकता है। The medical profession, the healthcare delivery profession is so noble. For a patient, doctor is like a god. So I salute you all for the sacrifice you and your family have been making during this COVID-19 situation, risking your life and the life of your family members. You are rendering human service to the humanity. तो डॉक्टर्स की कॉल यही रहती है कि वो कंपैशनेट रहे, काइंड रहे, विशाल हृदय हो,
लेकिन डॉक्टर्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो मुश्किलें हमने देखी कि पिछले 1.5-2 वर्ष में कोविड के समय में लगभग 700-800 डॉक्टर्स ने अपना बलिदान दिया। डॉक्टर्स लोगों की सेवा करते करते खुद भी बीमारी में ग्रसित हो गए और इस बीमारी में चल बसे। तो हम उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उन सबके परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति भी व्यक्त करते हैं। ये डॉक्टर्स दुआओं का पात्र होते हैं, इतनी उनके पास दुआएं होती हैं। भगवान इनको सेकंड गॉड कहते हैं। सेकंड गॉड क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान दुख में सहायक होता है, रोते को हंसाता है। तो हमारे डॉक्टर्स भी जो मरीज होते हैं, जो कष्ट में होते हैं, जो दुख में होते हैं, उनका दुख का निवारण करते हैं, उनके दर्द के निवारण करते हैं। रोते हुए आते हैं पेशेंट, उनको हंसते हुए भेजते हैं। पारुल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया प्रभाग के द्वारा 2 दिवसीय ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, दैनिक भास्कर के पूर्व समूह संपादक श्रवण गर्ग, पारुल विश्वविद्यालय के प्रोवोस्ट प्रोफेसर MN पटेल, गुजरात विद्यापीठ के डीन पुनीता हामी, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत तथा मीडिया प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु मुख्य रूप से शामिल रहे। विशिष्ट पत्रकारों ने कहा कि कोविड काल में पत्रकारों की सेवा हमेशा के लिए याद की जाएगी। वर्तमान कोरोना काल में मूल्यनिष्ठ मीडिया पर आधारित पत्रकारों के लिए वेबिनार की नई दिशा दे गया। इस परिचर्चा में शामिल बुद्धिजीवियों ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से मीडिया कर्मियों ने अपनी जान के बिना परवाह किए लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई हैं, वह सराहनीय है। हालांकि इसमें बहुत सारे पत्रकारों ने अपने जीवन की जंग भी हार गए। So that is how we are running this media, and that's the same media which protects the government also. In such a situation, truth lies far away from what you watch, what you really observe. Therefore, your students must be cautious enough to be very objective. And this objectivity comes only when you are moral, you are value-based, and you are open to the new ideas, even it comes through criticism. Therefore, if I have criticized Devanshu, क्योंकि हम interpersonal communication की बात करते हैं, हम intrapersonal communication की बात करते हैं, group communication की बात करते हैं, mass communication की बात करते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो सिखाया जाता है वो सोल कम्युनिकेशन। तो मीडिया एक इतना वास्ट शब्द हो गया है इस समय पर, परंतु जो लोग हम लोग जो सेवा कर रहे हैं इतने सालों से, तो हम ही लोग हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ मीडिया सदा ही कोशिश करेगा कि देश पहले और उसके बाद हम। राजस्थान विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजीव भनावत, पारुल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के डीन प्रोफेसर रमेश रावत ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना काल में पत्रकारों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए अपने जीवन से ज़्यादा पत्रकारों ने अपने मिशन को तरजीह दी। जी, टेलीविजन ने दुनिया भर के डॉक्टर्स को, चाहे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स, चाहे लंदन में काम कर रहे हैं, इवन शंघाई में काम कर रहे हैं, उनको इंटरव्यू किया, जनता से कहा पूछिए सवाल क्या पूछना है, और हमने उनकी भ्रांतियों को, उनकी आशंकाओं को निवारण करने के लिए एक आधार भूमिका तैयार की। वैक्सीनेशन को लेकर जितने भ्रम हो रहे थे, जितनी तरह की बातें हो रही थी, ये वो मीडिया ही है जिसने जनता को जागरूक किया। जीबी रोड थाने सेवा केंद्र के द्वारा विश्व एकता आध्यात्मिक सत्र पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में प्लैनेट वेलफेयर संघ के अध्यक्ष सचिन पंजाबी, समाज सेविका भावना पोटे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाजवंती, मुलुंड सबजोन प्रभारी बीके गोदावरी तथा चकनाका सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला समेत कई लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्लैनेट वेलफेयर संघ के अध्यक्ष सचिन पंजाबी ने कहा कि अध्यात्म मनुष्य को अनेक बुराइयों से बचाता है, इसलिए जीवन में हमेशा अध्यात्म के जरिए मूल्यों का समावेश करना चाहिए। इसके साथ ही सबजोन प्रभारी बीके गोदावरी ने कहा कि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए आपसी मतभेदों को भुलाकर नए समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए।
इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रथम मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जगदम्बा सरस्वती जी की स्मृति में भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अतिथियों ने उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जीवन में उनके श्रेष्ठ गुणों को धारण करने की अपील की तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। क्षमादान ही महादान है, इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान दिल्ली के लोदी रोड सेवा केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव पीके त्रिपाठी, ब्रह्मा कुमारीज नैरोबी केन्या के निदेशक बीके प्रतिभा, लोदी रोड सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोगी तथा प्रेरक वक्ता बीके पीयूष व बीके गिरिजा भी उपस्थित रहीं। इस राष्ट्रीय वेबिनार में दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव पीके त्रिपाठी ने कहा कि क्षमा करने के लिए सबसे प्रेम भाव करना आना चाहिए। यदि व्यक्ति में क्षमा भाव नहीं है तो वह इस मानव के जीवन में भी सूखे पेड़ के समान है। काम भाव से अपना धर्म अगर किया जाए तो वो क्षमा के बराबर है। इसके साथ ही केन्या ब्रह्मा कुमारी केंद्र के निदेशक बीके प्रतिभा ने कहा कि जो व्यक्ति ना तो कभी क्षमा करता है और ना ही क्षमा मांगता है तो वह एक ठहरे हुए पानी की तरह हो जाता है जहां से बदबू आने लगती है, इसलिए व्यक्ति में क्षमा भाव होना जरूरी है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ टू मेक अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, लेकिन वो मिस्टेक को घड़ी घड़ी रिपीट करना या वो मिस्टेक को मतलब इग्नोर कर लेना वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। मध्य प्रदेश में ब्रह्मा कुमारीज के मंडला सेवा केंद्र और युवा प्रभाग के द्वारा यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत प्रकृति और योग विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी और युवा प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके ममता ने विषय पर विस्तार से बताते हुए कहा कि धरती को प्रदूषण से बचाना है तो हमें आध्यात्म का सहारा लेना ही होगा। इसके साथ ही युवाओं में आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना होगा। वहीं पड़ाव वार्ड सेंटर प्रभारी बीके उमलता ने बताया कि विचारों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, इसलिए प्रकृति को तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनाने के लिए विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा संचालित रेडियो मधुबन 90.4 एफएम द्वारा आयोजित गायन प्रतियोगिता में अलग अलग उम्र के 3 राउंड में करीब 65 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसके तहत इसके ग्रैंड फिनाले का भी आयोजन किया गया जिसमें 32 कलाकारों का चयन किया गया। इस प्रतियोगिता में मोटिवेशनल गानों के साथ साथ वोकल वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का। नाल बजे घड़ी याल बला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबास कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। तेरी है जमी तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर सभी का है तू। इसके साथ ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में म्यूजिक फेस्टिवल भी आयोजित किया गया जिसका प्रसारण YouTube पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक शामिल हुए। इसमें प्रत्येक ग्रुप से 3 प्रतिभागियों को विजेता घोषित किया गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम भी शामिल था। इस दौरान बीके रवि, डॉक्टर दिलबर कुमार, प्रफुल्ल अहिर विजेता के रूप में सम्मानित किए गए। इस कार्यक्रम का संचालन रेडियो मधुबन के आरजे बीके रमेश ने किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।